अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप सभी यार, होप सभी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो गाइस यार, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो लास्ट में ये जो मोहसिन के नेम से है कैपिटल, और लास्ट में आप स्माइल भी चेक कर सकते हो, आइस टाइप बनी हुई है। तो यार पहले जो है ना, मुझे कुछ भाइयों ने बोला था कि हम इस टाइप से अपने पेज का नेम किस टाइप से, मतलब किस तरह से रख सकते हैं सॉरी। तो यार पहले जो है ना, मैं यूट्यूब से अनएक्टिव रहा हूँ, वीडियो अपलोड नहीं करता रहा, इस वजह से मैं ना ही जो है ना वीडियो बना पाया हूँ, इतना फोकस नहीं किया। सो यार आज मैं जो है ना ये ट्रिक लेके आया हूँ कि आप जो है ना अपनी आईडी का नेम किस तरह से चेंज कर सकते हो। ऐसे ही सेम प्रोसेस है, आप पेज का भी नेम ऐसे चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको तरीका बता देता हूँ आप इस तरह से नेम किस तरह यानी कि अपनी आईडी में ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मोशी के नेम से, उसके बाद यहाँ पे मोहसिन के नेम से है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ भाई, आप भी जो है ना कैसे इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो और अपनी आईडी को इस तरह बना सकते हो। सेम प्रोसेस है यार दोनों का। तो यार सबसे पहले आपने क्या करना है, ये तो मैंने शॉर्ट लिए हुए थे, आपने एक्सप्रेस वीपीएन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। यार अगर आपको नहीं पता इसकी सभी प्रॉक्सी को अनलॉक जो है सॉरी लाइफ टाइम के लिए कैसे यूज़ करते हैं, वैसे तो ये अनलॉक ही मिलती हैं आपको प्ले स्टोर से पे भी, लेकिन 7 दिन के लिए वहाँ पर ट्रायल मिलते हैं। अगर आप लाइफ टाइम के लिए टोटली फ्री यूज़ करना चाहते हो तो यार आप इसको जो है ना यूज़ किया करो, मतलब रिकमेंड करूँगा, दिल करता है तो कर लेना, तो वैसे अगर नहीं भी करता तो ना भी करोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मैं यूज़ करता हूँ, सो इस वजह से आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई आप भी जो है ना इसको यूज़ किया करो, काफ़ी अच्छा वीपीएन है। उसके बाद आपने यहाँ से जापान की प्रॉक्सी लगा लेनी है, ठीक है। आप जैसे जापान सर्च करो यहाँ पे जापान, और यहाँ पे आपने एक बार क्लिक कर देना और ये ऑटो ही कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ये कनेक्ट हो जाता है, मैं आपको जो है ना यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना, वीडियो को यहाँ से मैं पॉज करता हूँ। तो गाइस यहाँ से प्रॉक्सी सिलेक्ट हो चुकी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो नीचे करंट लोकेशन जापान टोक्यो, आगे 3 जो है लिखा हुआ है। अब यहाँ से आपने इसको सिंपली हाइड करना है और वो वाली आईडी ओपन कर लेनी है जिसका आप नेम चेंज करना चाहते हो। मैं जो है एक मोशी राइट्स के नेम से आईडी इसको ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस ये वाली आईडी है, उसके बाद आपने जो है ना इसके जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। आपको पहले इसका एक बार रिव्यू चेक करवा देता हूँ, बाद में वो वाली जो है ना आईडी मतलब इसका जो बाद में हम नेम चेंज करेंगे उसका भी आपको रिव्यू दिखा दूंगा। तो गाइज अभी तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ये वाला नेम लिखा हुआ है मोशी राइट्स, और जो है ना मोशी आगे लिखा हुआ है। तो अब जो है ना, अब मैं आपको इसका नेम चेंज करके बता देता हूँ कि नेम चेंज करने के बाद हमारी आईडी किस लुक से नज़र आती है, मतलब कितनी अच्छी लगती है या क्या सीन है, सभी कुछ व्यू आपको मैं आगे बता देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये वाला जो है ना नेम मोशी राइट्स लिखा हुआ है, आपने इन सबको कट कर देना है, ठीक है, कट कर देना है। और बाद में आपने यहाँ पे क्या लिखना है, अगर आप मतलब जिस टाइप का भी आपका कोई भी नेम है, लेकिन मैं इस आईडी को मोशी के नेम से रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मोहसिन भी रख लूँ या कुछ भी रैंडमली रखना चाहता हूँ, तो आपका जो दिल करे यार आपने रख लेना है। यहाँ पे मैं जो है ना एम लिखता हूँ, ठीक है, कैपिटल में लिखना है। एम लिखने के बाद आपने एक जो है ना छोटी सी स्पेस देनी है, स्पेस देने के बाद भाई आपने ये वाली जो है ना आपको इस टाइप के सिंबल मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपने यहाँ से ये जो ब्रैकेट में स्पेस है ना इसको कॉपी करना है। यहाँ पे देखना ये वाली जो है ना, इस वाली स्पेस को आपने कॉपी कर लेना है, ये वाली जो ब्रैकेट्स में है ये वाली स्पेस को मैं करता हूँ कॉपी। यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद क्या होगा, जो हमने यहाँ पे स्पेस दी होगी वो ऑटो ही रिमूव हो जाएगी। वो कैसे होगी, यहाँ पे मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, तो वो वाली स्पेस हमारी जो है ऑटो ही रिमूव हो चुकी है। अब एम के आगे जो है ना स्पेस डाल दी, ये वाली जो कैपिटल बड़ी स्पेस थी नीचे ब्रैकेट्स में थी, वो वाली कॉपी करके स्पेस आपने यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद यार हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा है कि हमने जो है ना मोशी के नेम से रखनी है, तो मैं जो है कैपिटल में ओ डालूंगा, ओ डालने के बाद यहाँ पे जो है ना एक स्पेस दूंगा और फिर वही स्पेस जो है ना ऐड कर दूंगा। यहाँ पे देखो, तो गाइज मैंने जो है ना स्पेस एंटर कर दिया, तो मेरा नेम जो है ना 4 वर्ड्स का, ठीक है, मोशी MOSHI 5 वर्ड का बनता है वैसे तो। तो उसके बाद मैं यहाँ से एस डाल दूंगा, एस भी कैपिटल में डाल दिया यहाँ पे देखो। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा कि ये वह जो है लास्ट में है ना डालूंगा स्पेस, ये वाली रैंडमली एक स्पेस डालूंगा, और जो लॉन्ग स्पेस होगी ना बड़ी जो ब्रैकेट्स वाली स्पेस है वो भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपने एच डालना है और फिर आपने एक स्पेस डालनी है छोटी स्पेस, उसके बाद ये जो ब्रैकेट वाली स्पेस है वो डालनी है SHI, ठीक है। आई डालने के बाद आपने फिर स्पेस डालनी है और लॉन्ग मतलब बड़ी स्पेस वो ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने ये लास्ट वाला जो स्माइल का सिंबल सिंबल है सॉरी इनविजिबल टाइप का, आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे स्पेस डालने के बाद वो वाला जो हमारा आई का सिंबल है यहाँ पे ऐड कर दूंगा, सॉरी ये ऐसे नहीं, यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ और पहले ये ब्रैकेट वाली स्पेस को कॉपी करके यहाँ पे ऐसे कॉपी
कॉपी करूँगा और यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। देन उसके बाद ये वाला जो हमारा सिंबल है, ये वाला आईज़ वाला स्माइल आई जो भी है, इसको यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे एक स्ट्रीट स्पेस और यहाँ पे इसको कर दूँगा ऐड। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हो हमारा नेम इस टाइप का है। अब भी यहाँ से रिव्यू चेन पे क्लिक करता हूँ, तो गाइज़ रिव्यू चेन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो है ना फर्स्ट में पहले होगा। ये वाला फर्स्ट में तो आपको कुछ समझ नहीं लगेगी, मतलब कुछ जो है ना इधर दूसरी साइड पे ये वर्ड्स हैं राइट लेफ़्ट हुए हैं, तो आपने सेकंड वाले को पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे रिव्यू चेन पे क्लिक कर लेना। सॉरी पासवर्ड तो मैंने डाला नहीं है, वैसे मैंने रिव्यू चेन पे क्लिक कर दिया, मैं अगेन कर। तो गाइस अब मैं यहाँ पे जो है ना इसका पासवर्ड डाल के रिव्यू सेव चेन पे क्लिक कर देता। तो गाइस यार मैं जो है इतना ट्राई कर करके कसम से थक चुका हूँ। यहाँ पे आप ऊपर टाइम देख सकते हो कब से जो है मैं लगा हुआ था, बट यार ये वाली ईमेल जो है मेरे पास भी नहीं है, तो ये पासवर्ड भी जो है ना रिसेट नहीं हो रहा, मतलब मुझे पासवर्ड इसका भूल चुका है। यहाँ पे देख रहे हो दी पासवर्ड यू एंटर वाज इनकरेक्ट। यहाँ पे मैं रिव्यू चेंज पे क्लिक करता हूँ, वैसे तो नेम चेंज हो रहा है बट यहाँ पे मैं पासवर्ड ऐड करता हूँ, यहाँ पे देखना। तो गाइस यहाँ पे मैंने पासवर्ड जो है ना यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे देखना सेव चेंज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे बोल रहा है दी पासवर्ड यू एंटर वाज इनकरेक्ट। तो यार ये पासवर्ड जो है ना इनकरेक्ट है, मुझे अब याद नहीं है कौन सा पासवर्ड मैंने इसको ट्राई करना है। सो होप कि यार आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और एक्सप्रेस वीपीएन की जो वीडियो का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हो सके तो यार इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो यार मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, टाटा।